अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। मराठी कला का एक मामला चिल्ला थाना के सामने आया है, जबकि उसकी बहू का आरोप है कि मेरा देवर बड़े ने माँ को मार के हत्या की है। वो उनके घर में था भाभी के, फिर उसने यहाँ पे वो बैठ गए और उसके पाछे पाछे वो आया और उसको बहुत मारा। बोल रहा था कि चलो उसके कैमरा खुलवा दो, वो बोल रही थी मैं नहीं खुलवाऊंगी, तो उसको बहुत मारा पीटा। वो जो यहाँ पे लैट्रिन बनी है उसके डंडो बहुत मारा। सुबह रात को आई 100 नंबर, तो उसको लेकर के गई अस्पताल, तो खत्म हो गई। डंडे से मार रहा था, जूतों से। तो ये किस कारण से मार रहा था? दारू पी करके मार रहा था, कारण कुछ नहीं था, दारू पी करके बेकसूर। अरे वो बहू के पास थे और बहू के पास से बड़े गया और लेकर के आया, बोला वो मुझे नहीं खोलेगी दरवाजा, तुम चल के खुलवा दो, मैं भाभी के पास जाऊंगा। वो कह रही थी कि मैं बहू की इज्जत नहीं लुटने दूंगी, इसी बात पर से उसने मारपीट किया। और जब मार करके रीत खाली हो गया है, तुरंत हमको भी घर आने लगा है, 100 नंबर आ गई है, तो बस तत्काल जो उन्हें मुँह में डंडा घुसारत रहा है तो पकड़ ली है, वही 100 नंबर वाले पकड़ के सीधा होने लगे उन्हें ख्यादा हैं। जे ख्यादा हैं तय वही बुढ़िया का जो उन्हें बिल्कुल बिसथर पै रहा, धीरे धीरे बोलत रही है, और बस वही माँ धोती माँ लपेट लपाट के बस लेके और गाड़ी में धरा है, गाड़ी में धर के लई गई। रास्ता में खत्म हो गई है, चाबाना में खत्म हो गई, ये मुझे पता नहीं है, कहे कि मैं झूठी कही थी। 3 बजे रात, हाँ, सुबह हमें पता चला है 9 बजे ये खत्म हो गई है। सुबह अभी वो आए थे थाने के पुलिस, तो थाने की पुलिस आकर के वो अंदर घुसा था, सब्जी काट रहा था, पक गई थी उसकी सब्जी और रोटी एक तवा में डाला, तो वहाँ पे पहुँच गए तो उन्हें पकड़ लिया और लेकर गए अभी थोड़ी देर पहले, तब से इसके लिए आए थे। सभी कहीं बड़े बड़े हैं न्यायालय न्यायालयधीश से हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। हम बहुत डरे और भयभीत, हम अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाह रहे हैं।